जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे SU-75 चेकमेट के बारे में। आपको अभी तक SU-75 चेकमेट के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने अपने दूसरे चैनल पे दी है, लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करने वाले हैं जिसको सुन करके आपको आश्चर्य तो होगा, और इसके साथ साथ आपको रशिया का फ्यूचर प्लान क्या है और क्यों SU-75 भारत के लिए भी महत्वपूर्ण बताया गया है रशियन मीडिया में, और क्यों खुद रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारत का नाम लेते हुए SU-75 के बारे में एक ऐसी बात कही है जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आप कोई भी बात मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, कुछ दिन पहले SU-75 चेकमेट को लेकर के ये बात कही जा रही थी, या ये कह ले कि एक अफवाह काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट की जा रही थी कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है रशिया का, ये विदेशी फंडिंग पर आधारित है। यानी कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है SU-75 चेकमेट, ये तब आगे बढ़ेगा जब विदेशों से फंडिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात को खुद रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि SU-75 का जो सिंगल सीट वेरिएंट है, यह रशिया अपने खुद के खर्चे पर बनाएगा और इसे अपनी वायुसेना में भी शामिल करेगा। क्योंकि आपको पता होगा, Mark 2021 में जब इसको प्रस्तुत किया गया था तो इसे एज अ एक्सपोर्ट मॉडल दिखाया गया था। उस समय डिफेंस एक्सपोर्ट ये मानते थे कि शायद MiG-35 की मार्केटिंग फेल होने के बाद रशिया SU-75 चेकमेट को लेकर के आया है, लेकिन कहानी कुछ और है। डिफेंस एक्सपर्ट्स आखिरकार इसको इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों देते हैं, और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट और खुद रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे राफेल और ग्रिपेन किलर का नाम क्यों दिया, ये भी हम अभी के वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, SU-75 चेकमेट रशिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको इसी साल जुलाई में दुनिया के सामने पेश किया गया, और इसकी तारीफ करते हुए रशियन प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सर ने भी काफ़ी बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अभी तक रशिया को उन्नत फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते देखा, लेकिन अब रशिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इतनी कारगर हो चुकी है कि वो किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकती है, और उसका मौजूदा जो एग्जाम्पल है वो हमारा SU-75 चेकमेट है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम अपने लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का लाइटवेट स्टेल्थ फाइटर बना रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में हम अपने उन मित्र देशों का भी ध्यान रखेंगे जो अभी इस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिनकी बेसिक ज़रूरत ही इस प्रकार के फाइटर जेट हैं। और इसी को लेकर के रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, ना सिर्फ रशिया के एक्सपर्ट बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने SU-75 को लेकर के काफ़ी कुछ बड़ी बातें कही हैं। अब अगर हम बात माने रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव की, तो उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये बड़ी बात कही है जो आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि रशिया जो फाइटर जेट बना रहा है खुद तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन 300 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है, ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स के पास भी जाएंगे। और उन्होंने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड भारत, चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज़ का नाम लिया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद ये देश एक पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं। लेकिन रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं संदेह प्रकट करने वाला है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी अपनी वायुसेना के लिए इन एयरक्राफ्ट को डेवलप करना, उसके बाद दूसरा नंबर हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी हमारे जो मित्र देश हैं, जिसमें भारत, वियतनाम, अफ्रीका, चाइना, इनकी डिमांड्स को पूरा करना, क्योंकि ये वो देश हैं जिनको बड़ी मात्रा में एयरफोर्स की जो ज़रूरत है वो पूरी करनी है, और तकरीबन 300 की संख्या में हम अपने इन एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि भारत, चाइना या दूसरी कंट्रीज़ ने इनसे इसके बारे में बात की नहीं की, लेकिन इन्होंने ये पक्के तौर पर यह कह दिया क्योंकि अब दूसरे देशों को एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत है जो कि कम खर्चीले हों, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हों, तो उन्होंने सिंपली ये कह दिया है कि हम तो इन देशों के सामने इसको रखेंगे। अब आपको पता ही होगा कि जो इसका प्रमोशनल वीडियो आया था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि चेकमेट का जो प्रमोशनल वीडियो था उसमें साफ तौर पर UAE, इंडिया, वियतनाम, अर्जेंटीना और दूसरे जो देश हैं उनको दिखाया गया था, और
डिफेंस एक्सपर्ट उस समय ये मानते भी थे कि इसको बनाने का सीधा पर्पस यही है कि रशिया अपनी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको एक्सपैंड करना चाहता है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट बुरा नहीं है और इसकी जैसे स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने रखी गई हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसको जो SU-75 जेट है इसे किलर ऑफ वॉर प्लेन्स क्यों कहते हैं, आखिरकार इसे किलर ऑफ फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों कहा गया, और सीधे तौर पर रशिया के डिफेंस एक्सपर्ट नहीं बल्कि स्वीडन के खुद के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि रशिया इस एयरक्राफ्ट को राफेल और ग्रिपेन किलर के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा, क्योंकि अपने कैटेगरी में ये सबसे हल्का स्टेल्थ फाइटर है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसमें जो आर्मामेंट इस्तेमाल किया जाएगा इसका जो रेडार होगा वो किसी भी फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होने वाला है। यही कारण है कि SU-75 निकट भविष्य में एक ऐसा टफ कंपटीशन क्रिएट करेगा जिससे पार पाना दूसरे जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा समय में कोई भी 4.5 जनरेशन या 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है जो SU-75 के जैसे स्पेसिफिकेशंस को रखता हो या उसको टक्कर दे सके, ना ही स्वीडन का ग्रिपेन और ना ही फ्रांस का राफेल। यानी कुल मिलाकर के रशिया इस एयरक्राफ्ट को F-35 के समान ताकतवर बना रहा है जो कि कम खर्चीला होगा और वो अपनी सारी जो ताकत है उसको अपने 4.5 जनरेशन के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट इस्तेमाल भी करेगा। अब सवाल उठता है कि क्यों SU-75 के साथ साथ ये न्यूज़ भी सर्कुलेट की गई कि इसका ट्विन सीट वेरिएंट बनाया जाएगा। क्या ये उन देशों को कह सकते हैं कि आकर्षित करने के लिए ऐसा कहा गया? तो इसको लेकर के खुद रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो हम इसके एक सिंगल सीट वेरिएंट को डेवलप करेंगे जो कि हमारे खुद के लिए होगा, लेकिन अगर कोई देश ये चाहता है कि उसे SU-75 का डुअल सीट वेरिएंट भी चाहिए तो हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते और हम ऐसे इंडिपेंडेंट फॉरेन कस्टमर्स की तलाश में हैं जो कि अपने बजट को इस हिसाब से तय कर सकें कि उन्हें कैसा फाइटर जेट चाहिए। उन्होंने कहा कि SU-75 एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि हाईली कस्टमाइज किया जा सकेगा और हम इस चीज़ के लिए अभी से बता देते हैं कि जो डुअल सीट वेरिएंट होगा वो ज्वाइंट वेंचर में बनाया जाएगा। यानी कि अगर कोई देश ये कहता है कि उसे SU-75 का डुअल सीट वेरिएंट चाहिए तो उसे खर्चे खुद उठाने पड़ेंगे। अब इसे राफेल किलर क्यों कहा गया और क्यों इसे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना सिर्फ रशिया के बल्कि जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो इसे इतना खतरनाक क्यों मानते हैं? उसका कारण ही ये है कि इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा वो नेक्स्ट जनरेशन का होगा और काफ़ी अच्छा थ्रस्ट टू वेट रेशियो वाला होगा। इसकी जो एवियोनिक्स है वो 5th जनरेशन से 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के बीच की होंगी। वहीं इसका जो स्ट्राइक पैकेज है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा घातक होगा और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो SU-75 को लेकर के अभी हमारे सामने रखी गई थी। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इंडिया इसके एक पोटेंशियल कस्टमर में हो सकता है? हालांकि अगर संभावनाओं की बात करें तो अभी इंडिया की ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेगा, क्योंकि हमारा AMCA जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है निकट भविष्य में हमें शायद SU-75 चेकमेट की ज़रूरत भी ना पड़े। आपका इसको लेकर के क्या मानना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।